टी20 विश्व कप 2021 में रविवार को शारजाह में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को एक तरफा मुकाबले में 72 रनों से पीटकर सेमीफाइनल में शान से अपनी जगह बनाई। टीम की इस जीत के हीरो रहे अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक, जिन्होंने शारजाह के मैदान पर ताबड़तोड़ बैटिंग से फैंस का जमकर मनोरंजन किया। शोएब ने मैच 18 गेंदों में 94 रन की विस्फोट पारी खेली और पाकिस्तान की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। शोएब की इस पारी का लुत्फ उनकी पत्नी और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी स्टैंड में बैठकर जमकर उठाया और तालियां बजाकर पति की इस धमाकेदार इनिंग की तारीफ की। शोएब मलिक की इस आतिशी पारी के दौरान उनकी पत्नी सानिया मिर्जा भी बेटे इजान मिर्जा मलिक के साथ स्टेडियम में मौजूद रहे। मैच के दौरान सानिया और इजान को शोएब मलिक की जमकर हौसला अफजाई करते देखा गया। शोएब मलिक ने अपने 54 रनों की पारी में मैच 18 गेंदों का सामना किया और एक चौका और 6 छक्के जमाए। मलिक ने 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर 6 जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। टी20 विश्व कप 2021 में यह पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक भी रहा। विश्व कप में पाकिस्तान की ओर से फटाफट क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड भी मलिक के नाम हो गया। उनसे पहले उमर अकमल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। पति की आतिशी पारी से सानिया मिर्जा काफी खुश नजर आई और उन्होंने स्टैंड में अनुभवी बल्लेबाज की बैटिंग की प्रशंसा की। बता दें कि जितनी बार भी शोएब ने छक्का लगाया, बेटे इजान मिर्जा मलिक के साथ पत्नी सानिया मिर्जा को उनकी हौसला अफजाई करते देखा गया। सानिया के शोएब के लिए चीयर करने के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर वायरल हो गए। सोशल मीडिया यूजर्स ने स्टार क्रिकेटर की पत्नी को उनके लिए लकी चार्म होने का श्रेय दिया। शोएब मलिक की विस्फोट पारी के दम पर पाकिस्तान ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 189 रन बनाए, जिसके जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 6 विकेट गंवाकर 117 रन ही बना सकी। शोएब के अलावा कप्तान बाबर आजम ने भी बल्ले से खूब धमाल मचाया और 47 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी के में टीम की ओर से शाबाद खान ने 2 और शाहीन अफरीदी और हसन अली ने एक एक विकेट अपने नाम किया। पाकिस्तान ने ग्रुप 2 में अपने सभी मैचों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई।